बिग बॉस में एक बार फिर एलिमिनेशन की घड़ी आ गई है। घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है टीना दत्ता, शालिन भनोट, प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे। वो नाम सामने आ गया है जिसका इस हफ्ते शो से पत्ता कट होने वाला है। इस कंटेस्टेंट को घर में सबसे कम वोट मिला है और इस हफ्ते वोटिंग लाइन्स भी खुली हुई है। ऐसे में इनके घर जाने का जुगाड़ हो चुका है। बिग बॉस खबरी की माने तो इस बार में घर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं शिव ठाकरे को 33% और इसके साथ ही वो सेफ हो गए हैं। दूसरे नंबर पर है 30% वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर है घर का अच्छा आदमी यानी शालिन भनोट, उन्हें 25% वोट मिले हैं। और जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं वो है टीना दत्ता। इसका मतलब ये है कि टीवी की पॉपुलर बहू इच्छा यानी टीना दत्ता शो से एलिमिनेट हो जाएंगी। बिग बॉस 16 की शुरुआत में टीना को सबसे मजबूत प्लेयर समझा जा रहा था क्योंकि वो छोटे पर्दे का एक जाना माना नाम था। इसके बावजूद शालिन के साथ उनका लव एंगल दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। पिछले कुछ हफ्तों से ये तो प्यार भी खत्म हो गया है। ऐसे में टीना के घर से बेघर होने के बाद शालिन के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा क्योंकि जैसे नॉमिनेशन के दौरान अर्चना ने कहा कि वो टीना और चिकन दो ही चीजों के भरोसे इस घर में इतने हफ्ते तक चले। सोशल मीडिया पर खबर है कि टीना को किसी भी हाल में शो से नहीं हटाया जाएगा। पिछले हफ्ते भी सबसे कम वोट टीना के ही थे लेकिन उन्हें बचाने के लिए बिग बॉस ने सौंदर्य शर्मा को बाहर कर दिया। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बिग बॉस ने खुद वीकेंड के ओवर में टीना को हिंट दिया था। टीना आजकल प्रियंका के साथ मिलकर रही है और दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है।